अलैकुम जी। पिछले चंद माह से आपको एक खबर बहुत सुनने को मिलती होगी कि ताजरों ने आर्मी चीफ से मुलाकात की और उनको यकीन दहानी करवाई गई कि आपके मसाइल हल किए जाएंगे। इसमें कोई हर्ज नहीं है, हमारे मुल्क में एक इन अदारों का एक इन्फ्लुएंस है। अगर आर्मी चीफ की श्योरिटी से हमारा मुल्क चलता है तो इससे खुशी की बात कोई नहीं। अवाम को तो अपने मसाइल का हल चाहिए, लेकिन बहसियत पाकिस्तानी मेरा सवाल ये है कि इन ताजरों के कौन से ऐसे मुतालबात हैं जो किसी दौर में भी कभी पूरे नहीं होते और इनके मसाइल ख़त्म नहीं होते। ये मुझे बता दें, कोई भी टैक्स जब लगाया जाता है तो अगले दिन खबर आपको मिलेगी जी ताजरों ने आज हड़ताल कर दी। इन ताजरों पे जब कोई टैक्स लगता है, अवाम पे टैक्स लगता है, अवाम चुप करके देती है। आटा पानी बिजली में उनसे आप ले लेते हैं, बटोर लेते हैं, और इन पे जब भी कोई टैक्स लगता है अगले दिन हड़ताल हो जाती है और शाम को ऐलान हो जाता है जी गवर्नमेंट ने अपना फ़ैसला वापस ले लिया। और मुझे ये बता दें कि ये ताजर कौन सी ऐसी एक्सपोर्ट्स करते हैं, मैं अगली वीडियोस में भी बात करूंगा, ज़रा रील में इतनी लंबी बात होती नहीं, कि कौन सी एक्सपोर्ट्स ये करते हैं जिससे मुल्क को कभी फ़ायदा पहुँचा हो। ऐसी एक्सपोर्ट्स हमेशा करेंगे जिससे मुल्क में अपनी किल्लत होगी बाद में उन चीज़ों की जो हमारी ज़रूरत की हैं, उनको ही बेच के सब्सिडी ले के एक्सपोर्ट पर पैसा कमाएँगे। जब उनकी शॉर्टेज होगी मिसाल के तौर पे चीनी आटा गंदम, फिर उसी को वापस मंगवा के उस पर भी सब्सिडी लेके हम पे एहसान करेंगे कि हमने मंगवा दी और फिर पैसा कमाएंगे।